एफएस एंटरटेनमेंट, हम हैं अमरनाथ के अंदर शोभा गोट फार्म पे जाहिद भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत है जाहिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जाहिद भाई, ये आपका फार्म कहाँ पे लोकेटेड है? ये अमरनाथ में भरतूपाड़ा स्टेशन से 5 मिनट के एक्सेस पे। 5 मिनट के एक्सेस पे, फाइव टू मैम। ओके, तो बाहर रिक्शा वगैरह मिल जाती है? कनेक्टिविटी है, मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा, ट्रेन बस वस सब मिल जाएगा। ट्रेन से एकदम नजदीक है, 5 मिनट के रस्ते पे है, एकदम रोड टच है यहाँ पे। यहाँ पे बदलापुर अमरनाथ जो रोड है, यहाँ पे अभी जो नया बना है उसके एकदम कॉर्नर पे ये फार्म लोकेटेड है। जिसको भी आना है उसके लिए हम गूगल पे ये भी मैप भी दे देंगे, गूगल पे अवेलेबल है, राइट? आना चाहता है स्टेशन पे आके अगर मुझे कॉल भी कर देगा ना, ओके, तो मैं यहाँ से किसी को पिक करने भेज दूंगा। ओके, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम अभी आपके फार्म के बारे में बात करते हैं। ये फार्म कब से लोकेटेड है यहाँ पे? ये फार्म भाई फ्रॉम लास्ट 7 मंथ मैंने फार्म स्टार्ट किया हूँ, लास्ट 7 मंथ से। अच्छा। और अपने पास अभी अपने खुद के बकरे हैं भाई, यहाँ पे अपने पास खुद के 30 बकरे हैं, 30 बकरे आपके अभी फिलहाल है? खुद के अपने पलाई स्टार्ट नहीं किए। हाँ। अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पलाई स्टार्ट करने का सोच रहे, ओके, रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि बात एक्चुअली होती है रिजल्ट पे। हाँ। अगर आप रिजल्ट दोगे तो पलाई आपके पास आएगी, बट अगर आप रिजल्ट नहीं दोगे तो आप कितना भी बड़ा फार्म रख लो, कुछ भी रख लो, आपके पास पलाई नहीं आएगा। एट दी एंड पब्लिक मांगती है रिजल्ट, तो हम उस रिजल्ट भी बताएंगे, पलाई भी इसके अंदर वीडियो में बताएंगे इसके अंदर आपकी। ये जो आपको शौक लगा कैसे लगा अचानक में, आपका बैकग्राउंड क्या है? एक्चुअली मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से आता हूँ, बट कैसा बचपन से अपन देवनार जाते आते रहते। हाँ। तो देखते बकरों को, बचपन से दिमाग में घूमता है बकरा, 2-3 दिन रहता है घर पे तो वो कैसा बैठ जाता है, तो वो चीज का शौक इस तरह से मुझे लगा कि हाँ बकरा पालना है। अच्छा, उस हिसाब से। अच्छा, अपने नया फार्म खोले तो आपको कहीं से मोटिवेशन वगैरह मिली है कि भाई ये फार्म खोलना चाहिए, या तो खुद के लिए भी तो पाल सकते थे? मोटिवेशन भाई एक्चुअली उससे अगर कंस्ट्रक्शन से पहले देखा जाए तो मैं खुद कसाई फैमिली से आता हूँ। अच्छा, तो वो है मतलब फैमिली बैकग्राउंड से ही है, मतलब कि हाँ बकरा कैसा है क्या नहीं, कैसा पालना है। ओके, गॉट इट, समझ गया कि इसके अंदर आपका पहले से बचपन से ही आपके जानवरों के बीच में घुसा हूँ भाई मैं, तो इतना कुछ इशू नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, चलेगा। हम आपको कुछ बकरे बताते हैं, अभी कुछ सेल के लिए बकरे निकाले हुए ना इसके अंदर। हाँ, बकरे निकाले सेल के लिए। तो पहले कौन सा बकरा हम देखते हैं? ये देखते हैं कोटा। हाँ भाई, ये कोटा देख लीजिए भाई, मैं आपको बताता हूँ भाई क्या करते भाई। ये अभी जस्ट फ्रेश दांत तोड़ रहा है भाई। हाँ। तो किया भी नहीं है भाई, ये 6 महीने पहले लिया था भाई, 25 kg पे। अभी भाई माशाल्लाह भाई 60 किलो पे खड़ा है बकरा। 60 किलो पे, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा। ये है 7 महीने आपने बताया ना, 7 महीने के अंदर भाई है अपने पास से। अपने क्वालिटी देख लो बकरे की, कान देख लो, पूरा तर गुलाबी है, मार्बल को में और भी मार्बल है भाई। हाँ। और भाई मतलब अराउंड 30-35 kg का अराउंड भाई, देखिए भाई ज्यादा नहीं, अगर आप पकड़ के भी चल रहे हो ना भाई तो एक अंदाजन बता सकता हूँ 55-60 kg का वेट होगा इस पे। ओके, तो देख के फिर भी 7 महीने में तकरीबन 30 किलो के ऊपर ही आप, 4 किलो का एवरेज, 4-4.5 किलो का एवरेज। कोई कोई बकरे भाई जो 4.5-5 किलो भी मार रहे भाई, माशाल्लाह। और अभी भाई ये कैसा 10-12 दिन भाई थोड़ा तबीयत इसका खराब था, वायरल में चल रहा था स्टिल भाई, मतलब मैं तो भाई और आपको मतलब ज्यादा ही रिजल्ट दिखा रहा था मैं इसका। अच्छा, तो अभी इसका क्या है, सेल कर रहे हो आप, तो इसकी प्राइस क्या मांग रहे हो? प्राइस भाई इसका मैं पर्सनल में बताऊंगा भाई, पर्सनल बताऊंगा। एक बार आपका नंबर बता दीजिए भाई। मेरा नंबर है 9137 4884881611। ठीक है, हम इसको नंबर डाल देंगे नीचे स्क्रीन पे भी देंगे, और जिस किसी को चाहिए रहेगा तो वो आपको कॉल कर देगा इसका। ठीक है, इसके अदंत अभी बच्चा ये भाई जस्ट अभी दांत तोड़ रहा है भाई। हाँ ठीक है, चलेगा, अदंती समझो अभी, अभी पूरा छोड़ दो उसको, थोड़ा छोड़ दो उसको, गला पट्टी सीना भी ना आप देख सकते हो भाई, बहुत बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अभी तक के वो अदंत पे है, और हाइट कितनी होगी तकरीबन इसकी? 36-37 पकड़ के चलिए भाई, कम रहेगा चलेगा, कम रहेगा, ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है भाई, पर ज्यादा बोल के कम नहीं आना मांगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा, मोटे पैर का बच्चा है, बनने वाली चीज है भाई, पलटी भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे थे, ब्रीडिंग क्वालिटी का बच्चा है? ब्रीडिंग क्वालिटी का बच्चा है, आप खुद देख रहे हो, आप खुद बता सकते हो भाई कि बच्चा कैसा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा एक्चुअल में, ठीक है भाई, आप खुद देख रहे हो भाई। हाँ, आप खुद बता सकते हो भाई कैसा बच्चा है, ब्रीडिंग क्वालिटी है या नहीं भाई, आप खुद बताइए। बहुत प्यारा बच्चा है, मैं देखा उसको पहले दादे के साथ, अभी जब छोड़ेगा भाई ये अदंत पे फिलहाल बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ है, और उसके बाद में भी हाइट भी खोलेगा, और ये कितना एक्सपेक्टेड, कितना कितनी हाइट खोलेगा ये आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भाई जाना चाहिए भाई 40 तो जाना चाहिए भाई, 40 तक के जाना चाहिए भाई, अपन बता नहीं सकते भाई फ्यूचर का। अच्छा, आपके पास ये अगर रहेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करो इससे कि कितना रिजल्ट देगा ये आपको भाई? अभी अगर मेरे पास रहेगा भाई तो ये ईद तक का मैं सोच रहा हूँ भाई कि मैं और 3-4 महीना है तो भाई 15 kg तक और लेके जाऊँ। 4 महीने में 15 kg और? 4 महीने में भाई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 kg तक लेके जा दो, क्योंकि गर्मी है भाई, तो गर्मी में बकरे ज्यादा मतलब
हाँ वेट उस थोड़ा से भाई कम बताऊंगे भाई तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज्यादा बता के कम आएगा तो भाई मजा नहीं आता। अगर 15 किलो बोल रहे 16-17 भी आएगा तो पब्लिक खुश हो जाती है। बराबर है, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट दूसरे बकरे पे जाते हैं। जी जाहिद भाई, ये दूसरा हम बकरा देख रहे हैं, ये भी कोटा ब्रीड में आता, राइट? भाई ये करौली कोटा में है भाई, थोड़ा हैवी आपको बोलना पड़ेगा। ये करौली कोटा में आएगा भाई, आप बकरा देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो, 6 दांत का बकरा है भाई ये, वेटी वेटी देख सकते हो आप इसकी लेंथ, बहुत प्यारा है ये जो, इसको कलर का कुछ बोलते हैं मतलब स्पेसिफिक ऐसी कलर में कोटा के अंदर भाई, एक कारोली में पूरा ब्लैक आता है जो हमने देखे है, जेट ब्लैक एकदम पूरा ब्लैक आता है, ब्राउन कलर के आते हैं। ये स्पॉटेड रहते हैं, इनको कुछ अलग बोलते हैं क्या? क्योंकि ऐसा बहुत सारी ब्रीड्स देखा हो इसको भाई, क्या क्या बोलते हैं भाई, कुछ चितकबरा ऐसा कुछ बोलते हैं, चितकबरा नहीं आ रहा है। अच्छा, कलर को जो चितकबरा बोलते हैं, राइट? और मेरे को पता नहीं भाई अगर ये चितकबरा बोलते हैं क्या बोलते हैं, बट करौली कोटा है भाई इतना पता है मुझे। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है, इसकी डिटेल्स बताओ। 6 दांत के ऊपर है और 6 दांत के ऊपर है भाई, 38 का हाइट आएगा, 38 की हाइट आएगा इंशाल्लाह, लाना चाहता हूँ। आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 5.67। क्योंकि आपके सामने तो ऐसा लग रहा है कि 40+ होगा ये एकदम, तो भाई रहेगा शायद 40 का रहेगा, मेरे को नहीं पता, मैं 5.8 का हूँ भाई। 5.8 के आप हो तो तकरीबन हो रहना चाहिए वो, 38 का तो होना चाहिए वो बकरा। हम वैसे भी आपको चाहिए तो नाप के दे सकते हैं, जो भी व्यूअर्स आपको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वेट भी अगर किसी को चाहिए रहे कंफर्म करने के लिए तो हम उसमें हम करके दे देंगे, राइट? उसको वीडियो मिल जाएंगी, पर्सनल के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सअप करेंगे आपको कोई व्यूअर, कीजिए भाई कभी भी कीजिए, रात के 1 बजे 2 बजे भी कीजिए भाई, व्हाट्सअप का रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इसका वेट कितना रहेगा अप्रोक्स आपने बताया? अप्रोक्स भाई ये 70 होना चाहिए भाई, 70 kg के आसपास मेरे हिसाब से, 70 kg के आसपास होने चाहिए। छोड़ दो थोड़ा उसको खेलने दो, 70 kg के अंदर माशाल्लाह ये अभी 6 दांत के ऊपर है, ये भी तो अच्छा खासा जा सकता है, बहुत जगह है बनने के लिए माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। इसकी अभी प्राइस क्या बताओगे आप, वो भी फोन पे? भाई पर्सनल में बताऊंगा भाई मैं, क्योंकि भाई फिर वो किसी को रीसेल करना होगा या फिर, इसलिए मैं सोचा कि पर्सनल, बट ज्यादातर अभी तो ईद का टाइम आ रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि लोग लेकर रखेंगे बहुत ज्यादा लोग, तो उसके लिए समझो ना भाई, अभी मतलब इतना बड़ा नहीं हुआ भाई बकरा, अभी पलटी भी मार सकते, अगर किसी को पलटी मारना होगा तो, हाँ हाँ हाँ। तो उस हिसाब से मैं सोचा कि पर्सनल में बताना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके ठीक है, तो इसकी भी वीडियो हम उसका रेट पर्सनल बताएंगे, आप कॉल कीजिए इसके लिए भी। हम तीसरे बकरे के पास जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बकरा हम देखते हैं। तीसरा बकरा भाई, तीसरा बकरा आपके पीछे एकदम जस्ट खड़ा भाई, जस्ट पीछे ही खड़ा डॉन है, डॉन माशाल्लाह बकरा भाई, आप देख चुके भाई कैसा है क्या है। सो जरा हम अंदर जाते हैं, एक काम करते हैं, बात करते हैं तो बेहतर रहेगा, वो इधर आएगा तो भाई सब तहस तहस कर देगा। हाँ वो बहुत प्लेफुल है, मैंने इससे पहले देखा भी उसको जब बाहर निकाले थे तो माशाल्लाह। वो क्या डिटेल्स पे क्या है उसकी डिटेल्स क्या है? सोजत में 41 की हाइट है, 41 की हाइट है, 41 की हाइट है, व्हाइट आईज में पूरा गुलाबी बच्चा है और मोटे पैर का बच्चा है भाई, 8 दांत पे है भाई और भाई बहुत एग्रेसिव है भाई माशाल्लाह, हाथ में भी नहीं आएगा भाई, बहुत 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 प्यारा, व्हाइट आईज के अंदर है, बहुत बड़ी पेटी का बच्चा है भाई। अगर भाई कोई लेता भी है ना भाई, अगर अपन तो नहीं करते भाई भराई, अगर कोई लेता है भराई करने वाला भाई तो ये अलग ही चीज बनेगी भाई। तो ये एज के ऊपर ये भरने के लायक है, मतलब भर सकते हैं इसको भाई? ये तो डिपेंड करता ना भाई, अगर जैसा कोई भरना चाहे तो भर सकता है, सेल्फ फीडिंग पे भी रखोगे ना भाई तो इंशाल्लाह भाई ईद तक भाई 120 kg तक आराम से जाना चाहिए भाई, क्योंकि अभी बकरा स्टैंड कर रहा है 100 kg पे। अच्छा 100 kg पे है ये, 100 kg पे है माशाल्लाह, लग तो रहा है वो, फिर भी हम वेट करके दे देंगे, अगर किसी को चाहिए तो उसको वेट मशीन के उसमें वजन के साथ में मिल जाएंगी वीडियो। और साइन देख सकते हो भाई आप, पूरा व्हाइट आईज में भाई, गला पट्टी देख सकते हो, सीना देख सकते हो, अभी भी भाई बहुत ज्यादा है भाई बकरा। क्या एक्सपेक्टेशन है इसकी भी आपको, अभी क्या ये अगर रहेगा, क्योंकि 8 दांत की देखो एक्सपेक्टेशन अलग रहती है लोगों की, क्योंकि वो ऑलरेडी 8 दांत पे पहुंच चुका है, उसकी एक हाइक पे पहुंच चुका है वो, तो उसको क्या अभी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है इसके साथ में ये बकरे के, भाई कितना वजन इसका बढ़ेगा ये ईद तक के? भाई बकरा है ना भाई, 8 दांत के बाद भी वजन बढ़ाता है भाई, ऐसा कुछ है नहीं कि 8 दांत कर लिया बकरे ने तो वजन नहीं बढ़ाएगा। अच्छा, बकरे भाई 8 दांत के बाद भी वजन लेते, और भाई कैसा है मेरे हिसाब से भाई और 10-15 kg 20 kg तक वजन उठाना चाहिए, मतलब 120 तक ये बकरा जा सकता है। करता है भाई कि कैसा खा रहा है क्या कर रहा है, अगर बकरा हेल्दी रहता है अच्छे से रहता है और खिलाई पिलाई प्रॉपर होती है। अभी मेरे पास भाई ये गीला दाना उठाता है, गीला दाना पास ये भाई भीगा हुआ चना और सोयाबीन खाता है। अच्छा, दूध पीता है भाई 1-2 लीटर दूध पीता है भाई ये। अच्छा, फीड अगर प्रॉपर रहेगा भाई तो इंशाल्लाह भाई लगाने चाहो तो 10-15 kg तो आराम से उठाएगा। ठीक है, तो ये पलट भी सकते हैं अगले साल के लिए उसको फिर? तो नहीं भाई, मेरे हिसाब से पलटना तो सही नहीं रहेगा। अच्छा, अगर कोई ले रहा है तो भाई ये ईद के टाइम पे हो, ईद के टाइम पे भाई किसी को शौक होता है भाई बड़े बकरों की कुर्बानी करने का, क्वालिटी में अच्छी चीज में, तो भाई इसकी जो डाइट चीज है भाई ये, कि अगर कोई लेके चला गया भाई
तो सोसाइटी में भाई आजू बाजू हर कोई देखेगा भाई। हाँ, ज्यादातर बच्चों को वही चाहिए रहता भाई, घर के छोटे, हाँ घर के छोटे बच्चे जो रहते हैं बहुत शौक से लेकर घूमते हैं कि भाई बहुत बड़ा बकरा है, हम सोसाइटी में शो ऑफ करेंगे, ये बहुत प्यारी चीज है लेकिन माशाल्लाह। और अग्रेशन भी बहुत अच्छा प्लेफुल है बकरा, और बहुत बड़ी फ्रेम का भी है, इसको ब्रीडिंग के लिए भी रख सकते हैं, ब्रीडिंग के लिए भी रख सकते हैं भाई। ये ऑलरेडी भाई जिसके पास था ना मेरे से पहले, हाँ वो ब्रीडिंग पे ही था भाई। अच्छा, ब्रीडिंग पे ही था, अपने पास है तो अपन इसे ब्रीडिंग नहीं ले रहे। हाँ, अपन ने सोचा इसको थोड़ा आराम देते हैं। डाइट तो ऐसी है कि समझ लो कि ब्रीडिंग के लिए भी हो जाएगा काम उसका। हाँ, ब्रीडिंग के लिए भी भाई अभी भी ले सकते हैं भाई, बकरे में भाई किसी चीज की कमी नहीं है भाई, एकदम प्लेफुल माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा बकरा है भाई। अभी वो मेरे गले तक आ रहा है, एक सेकेंड माशाल्लाह। ठीक है चलेगा, इसकी प्राइस फिर ये भी आपको इस पे बताएंगे, पर्सनल में बताऊंगा भाई, बट इसकी प्राइस भाई मैं इतना बता सकता हूँ कि एक के ऊपर जाएगी। अच्छा, मतलब तो, एक रेंज उसका जो है बता देता हूँ कि एक पेटी के ऊपर जाएगा इसका रेंज। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन बहुत बहुत आपके साथ में क्लोज है, बहुत लगा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा है वो, मतलब हाथ में भी नहीं आता भाई जल्दी किसी का, मेरे साथ रुक जाता है तो रुक जाता है भाई, बाकी और भाई मतलब उसको हैंडल करना भाई बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है चलेगा, जिस किसी को भी चाहिए नंबर दिया हुआ है नीचे, उस पर कॉल कीजिए और इसकी डिटेल्स जितनी भी है सारी आपको मिल जाएंगी। प्रीफर करूंगा कि स्टेशन से बहुत करीब है तो वहां से लोग आ सकते हैं और देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं फार्म पे, देख कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। जिनको जैसा चाहिए इंशाल्लाह वैसा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट होता है नहीं होता है। कभी कभार क्या करते हैं, वीडियो जस्टिफाई नहीं कर पाता है, वीडियो जस्टिफाई नहीं कर पाता राइट, हाँ ऐसा होता है क्योंकि बकरे के फ्रेम फ्रेम माशाल्लाह बहुत बड़ी है, बड़ी फ्रेम का बकरा है भाई। और अभी भाई अपन कैसा सुबह में वीडियो शूट कर रहे हैं भाई, अभी मतलब उतना कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। हाँ वही फ्रेम कैसे बहुत बड़ी है, वीडियो में कभी जस्टिफाई नहीं कर पाती है वीडियो फ्रेम को, माशाल्लाह बहुत प्यारा बकरा है और उसके अंदर देखिए ना भाई मेरे कंधे तक आ रहा है भाई। हाँ वही वही वही। ठीक है चलेगा, जिस किसी को चाहिए नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए जाहिद भाई को, इंशाल्लाह उनको रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।